ताइक्वांडो कराने का ये उद्देश्य है कि जो भी बच्चे ताइक्वांडो सीख रहे हैं उन लोग को फाइट कैसे करना है, अपने आप को कैसे बचाना है और दूसरे को कैसे अटैक करना है, इन सब चीजों का प्रैक्टिकली एक अभ्यास हो जाता है। और इसमें कितने टीमें कहाँ कहाँ की पार्टिसिपेट कर रही हैं? डिस्ट्रिक्ट है तो हमारे यहाँ गोरखपुर जिले में 7 टीमें हैं, 7 टीमें खेल रही हैं। और इसमें प्राइज में कैसे क्या रखा गया है? प्राइज में जो टीम फर्स्ट आएगी उसे 5,000 रुपया दिया जाएगा, सेकेंड को 3 है, थर्ड को 2,000। और कुछ अपने जो आपकी एसोसिएशन है उसके बारे में? मुझे ताइक्वांडो सिखाते हुए लगभग 15-20 साल हो गया। इससे पहले हमारे एक शर्मा सर थे, राजेश शर्मा सर, लगभग 15 साल वो भी सिखाए होंगे। तो हमारी क्लास लगभग 30 साल से चलती है और पहले यूनिवर्सिटी में क्लास चलती थी। अब परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने ये हॉल दिया है, यहाँ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। भारत माता की हम सब के बीच में जिसका हम सब बहुत ही सभी से इंतजार कर रहे थे, गोरखपुर के तेजस्कार लोकप्रिय सांसद और निश्चित रूप से पूरे भारत में 10 सांसदों में सबसे एक्टिव सांसद का जिन्हें खिताब मिला था, यह गौरव गोरखपुर के सांसद को मिला था। ऐसे नरेंद्र मोदी जी के सबसे एक्टिव, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। और किसी गतिविधि को भी हमारे विद्यालय के प्राचार्य माननीय विशिष्ट अतिथि यानी कि हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्राचार्य ओम प्रकाश सिंह जी को भी पुष्पगुच्छ देकर के उनका स्वागत और उनका अभिनंदन। ये नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे जोरदार तालियां, कम से कम पार्टिसिपेंट का हौसला भारी होता है।
पॉलिटिकल ऑफिशियल है वो जुनून रखना, वो पावर चाहिए, वो गुस्सा चाहिए, एंगर, यू हैव टू डू इट फॉर माय कंट्री। वो जुनून नहीं, वो जज्बा नहीं तो यहां टाइम वेस्ट करने का। बोले भारत माता की, भारत माता की। बच्चों, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं चाहता हूं जैसे मेरी बिटिया फौज में जा रही है, आप लोग भी देश को प्यार करो, माँ बाप का नाम ऊंचा करो बच्चों, अपने जिले का, अपने गुरु लोगों का, अपने स्कूल का। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं बेटियों के लिए खास करता हूँ, बेटियां बहुत बड़ा भविष्य है देश की। सर, ताइक्वांडो विधा के बारे में? बहुत अच्छा बच्चे हैं, फैंटास्टिक, और उनका भविष्य हमको बहुत उज्जवल लग रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि भी लोग स्टेट खेलें, और मैं इनको स्टेट में ले जाऊंगा। मैंने इनके गुरुजियों से कहा, टीचर से, और यहाँ के बच्चे ताइक्वांडो में, अब गोरखपुर के बच्चे स्टेट खेलेंगे, उस लेवल पे जाना है हम लोगों को, और उसके बाद ये लोग ओलंपिक्स में जाएंगे। तो वो रेंज मैं इनके बच्चों में आज देखा हूँ।